हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लेक्चर वन का पार्ट टू देखने जा रहे हैं। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल टर्मोलॉजीज। देखिए, सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी सेकंड लेक्चर से, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ज़रूरी हैं। सी लैंग्वेज सीखने से पहले ये आपको आना ही चाहिए। तो आज अपन ऐसी कुछ टर्मोलॉजीज देख रहे हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट करेगा। तो कोई भी डिवाइस यदि इन चार शर्तों को पूरी करता है तो वह एक कंप्यूटर है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कंप्यूटर का मतलब या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, पर कंप्यूटर कई वाइड रेंज में मिलता है, वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेज होते हैं। कई बार हम जिन चीज़ों को कंप्यूटर नहीं मानते वो भी कंप्यूटर, जैसे हमारा कैलकुलेटर, वो भी एक कंप्यूटर है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ इनपुट उसमें होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, आउटपुट भी आता है। कई चीज़ें इस तरीके से कंप्यूटर होती हैं। तो जो लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर की हम बात करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर में हर तरह का काम हम कर पाते हैं। हम इसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इसमें मूवी भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ एक काम करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन भी कंप्यूटर हो सकती है अगर उसमें माइक्रोप्रोसेसर, एक चिप इंसर्ट की गई हो, तो वो भी स्मार्टली काम करेगी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत काम करेगी, तो वो भी एक कंप्यूटर है। माइक्रोवेव भी एक कंप्यूटर है, आपका डिजिटल कैमरा भी एक कंप्यूटर है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनमें एक चिप लगी है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, फ़ैन, एक फ़ैन क्या कंप्यूटर है? फैन कंप्यूटर नहीं है। फ़ैन कंप्यूटर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। इनपुट तो उसमें भी होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, वो इनपुट है, अंदर प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट तो हम फील करते ही हैं। तो इनपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, आउटपुट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसलिए वो कंप्यूटर नहीं। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम पावर पर काम करते हैं जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस ज़्यादा पावर पर काम करते हैं, ज़्यादा वोल्ट होता है, ज़्यादा करंट सप्लाई होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझें तो कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों करंट से चलेंगे, लेकिन जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होगा उसमें आपको करंट का झटका नहीं लगेगा क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ करंट बहुत कम होगा। इलेक्ट्रिकल जो होगा उसको आप टच भी मत करना क्योंकि उसमें झटका लगेगा। तो बहुत सारे हमारे आसपास कंप्यूटर्स हैं, एक जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या लैपटॉप कंप्यूटर होता है, इसके अलावा सर्वर्स होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, लाइक फेसबुक एप्लीकेशन है, ये सर्वर्स कंप्यूटर हैं, या हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, हमारा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, और जैसे मैंने अभी बताया डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, दे आर ऑल्सो कंप्यूटर्स। वॉट आर ज़ीरो एंड वन? ज़ीरो और वन क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0-1 के फॉर्म में स्टोर है। तो ठीक है, बात तो सही है, लेकिन ये 0-1 एक्चुअल में क्या है? आप एक कंप्यूटर को पूरा ओपन कर लीजिए और बताइए उसमें कितने ज़ीरो मिले और कितने वन मिले। एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि 0-1 जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। तो फिर 0-1 क्या है? 0-1 एक तरह की कोडिंग है। हमने दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को 0-1 में कन्वर्ट करने का कुछ ना कुछ तरीका निकाल लिया है। फिर वो चाहे सॉन्ग हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, फोटोग्राफ हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम 0-1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका कोई ना कोई तरीका हमारे पास है। अब कंप्यूटर के अंदर ये 0-1 का क्या मतलब होता है? तो 0-1 एक तरह की कोडिंग है। अलग अलग डिवाइसेस में इस 0-1 को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन रखी है वो 0-1 के फॉर्म में रखी है। एक्चुअल में उसमें जो रीड राइट हेड होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाता जाता है। अगर नॉर्थ पोल नीचे बनाता है तो हम उसे 1 बोलते हैं, नॉर्थ पोल अगर ऊपर बना देता है तो हम उसे
जीरो बोलते हैं। इसका मतलब पूरी मैग्नेटिक मटेरियल में कई सारी प्लेसेस हैं जिन पर इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाए जाते हैं। तो पूरे पूरे डिस्क में कई सारे जीरो वन आपने स्टोर कर दिए हैं, क्योंकि हम दो स्टेट्स को मेंटेन कर रहे हैं और एक स्टेट को हम वन बोल रहे हैं, एक स्टेट को हम जीरो बोल रहे हैं। तो हमारे लिए वो जीरो वन है, पर उस डिवाइस के अंदर वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की डायरेक्शन है। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम के अंदर होते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में चार्ज होल्ड होता है। तो अगर कैपेसिटर में चार्ज है तो हम उसे बोलते हैं वन, अगर कैपेसिटर में चार्ज नहीं है तो हम उसे बोलते हैं जीरो। अब आप सोच के देखिए कि एक रैम के अंदर अगर 1 GB की रैम है तो 1 GB मतलब कितना होता है, 1024 मेगाबाइट्स, या फिर बोलें 1024 × 1024 किलोबाइट्स, या फिर बोलें 1024 × 1024 × 1024 बाइट्स, या फिर हम इसमें 8 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ बिट्स। तो इतना बड़ा नंबर, इतने सारे 0 1 इस रैम के अंदर स्टोर हो सकते हैं। एक 0 या 1 को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर। तो आप सोचिए कि इसमें कितने सारे कैपेसिटर्स लगे होंगे, हर कैपेसिटर में चार्ज है या नहीं है, तो इसी का मतलब हुआ 1 है या 0 है। अब ये तो तभी मुमकिन है जब उसमें करंट होगा, क्योंकि अगर करंट ही नहीं होगा तो चार्ज कैसे होल्ड करेगा। जबकि हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर हो सकती है, चाहे उसमें करंट हो या ना हो। लेकिन रैम के अंदर डेटा चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर है वो भी हमारी नज़र में 0 1 है, पर इंटरनली वो चार्ज है या नहीं है का सीक्वेंस। हार्ड डिस्क में भी हमारी नज़र में 0 1 स्टोर है, बट एक्चुअल में वो नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन है। इसी तरीके से हमारे पास होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर भी मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें होते हैं छोटे छोटे रजिस्टर्स जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, और ये रजिस्टर बनते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करने वाला एक सर्किट है, एक डिजिट, एक बाइनरी डिजिट को स्टोर करने वाला सर्किट है। अब ऐसे मैं 16 फ्लिप फ्लॉप को लगातार में मिलाकर एक डिवाइस बनाता हूँ तो वो कहलाएगा 16 बिट का रजिस्टर। 16 बिट के रजिस्टर में कितने 0 1 स्टोर होंगे? 16 0 1 स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 16 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो वहाँ पे भी करंट होगा तो सर्किट में करंट ट्रैवल करेगा। अगर कंप्यूटर में करंट ही नहीं है तो उसमें ट्रैवल कैसे कर सकता है करंट? तो इसीलिए जो प्रोसेसर की मेमोरी है और जो रैम मेमोरी है ये वॉलेटाइल मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब जिसका डेटा वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है जब पावर सप्लाई नहीं होती, और नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसमें पावर नहीं है फिर भी डेटा उसके अंदर सस्टेन करता है। तो हमने समझा कि 0 1 जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, हम किसी भी डिवाइस में दो स्टेट्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एक स्टेट को 1 बोलते हैं, एक स्टेट को हम 0 बोलते हैं। अब समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एक कॉम्प्रेहेंसिव टर्म है। आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, और जो आपको अंदर नहीं दिख रही हैं चीज़ें जैसे हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, लैन कार्ड, ये वो डिवाइसेस हैं जो आपको बाहर से नहीं दिख रहे हैं, पर ये सब कुछ क्या है? हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? तो ये टेंजिबल सब्सटेंस होता है, मतलब फिजिकल चीज़ होती है, इसको आप टच कर सकते हो। अब हमारे हार्डवेयर में ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है जो हार्डवेयर नहीं है। यानी हार्डवेयर बेसिकली एक कॉम्प्रेहेंसिव टर्म था, यानी हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सबको मिला के हम हार्डवेयर बोल रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में लेकिन कुछ ऐसा है जिसको हम हार्डवेयर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेटा। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा रखा है। जब आप ऐसा बोलते हो तो वो डेटा जनरली हार्ड डिस्क में रखा होता है। ये डेटा फाइल के रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। बहुत सारी फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर में रखी हुई हैं,
जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक सॉन्ग रखा है तो आप देखते हैं वो एक फाइल है, मूवी रखी है वो एक फाइल है, आपने कोई रिज्यूम बनाया अपना तो वो एक फाइल है, आपने कुछ फोटोग्राफ्स रखी हुई वो भी फाइल्स हैं। तो फाइल क्या है? फाइल इज अ डेटा बंडल, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। हर फाइल को आप देखकर ही पहचान जाते हो कि इस फाइल में किस तरह का डेटा होगा। जैसे एक फाइल का नाम है, यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं, track01.mp3। आप बता सकते हैं ये फाइल में किस तरह का डेटा होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें सॉन्ग होगा, कोई ऑडियो होगा। ऐसी dsc1.jpg ये भी एक फाइल है, इसमें लेकिन इमेज हो सकती है। list1.txt इसमें कुछ टेक्स्ट हो सकता है। तो आप देखते हैं फाइल का एक नाम होता है, फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो डॉट के बाद लिखते हैं। फाइल का एक्सटेंशन देखकर कोई भी बता सकता है कि इस फाइल में किस तरह का डेटा रखा हुआ है, वो सॉन्ग है, वीडियो है, इमेज है या सिंपल टेक्स्ट है। तो आपने कई सारे फाइल एक्सटेंशन देखे होंगे, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिखे हैं पर होते तो बहुत सारे हैं। ये अलग अलग तरह के फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट की है, उसमें किस तरह का डेटा रखा हुआ है। अच्छा, सभी में होता 01 ही है, लेकिन इस 01 के मायने अलग अलग होते हैं। वही 01 अगर MP3 फाइल में है तो उसे साउंड का सिग्नल मान रहे हैं, जबकि वही 01 अगर JPG फाइल में है तो उसको इमेज में पिक्सल्स की कोडिंग मानी जा रही है। ऐसे ही टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर 01 लिखा है तो इसका मतलब है कोई कैरेक्टर, कोई सिंबल। तो हर फाइल में 01 के मायने अलग अलग, पर ये सब कुछ डेटा है। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं एक और तरह की फाइल जिसका एक्सटेंशन है exe, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फाइल के अंदर भी 01 है, लेकिन ये डेटा बाकी डेटा से ज़रा स्पेशल है। ये डेटा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें लिखे 01 का मतलब है कंप्यूटर के लिए निर्देश कि कंप्यूटर को करना क्या है। कंप्यूटर बिना निर्देश के काम नहीं करता, तो exe फाइल में लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कब क्या करना है, ये उसमें लिखा है। तो exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। ये आज की लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। exe फाइल मतलब सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? exe फाइल इज योर सॉफ्टवेयर। तो कल को आपसे कोई बोलता है कि भाई आपने सी लैंग्वेज सीख ली, अब आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता है, तो एक सॉफ्टवेयर बना के दो मेरे को, तो क्या दोगे आप उसे? आप उसे दोगे एक फाइल जो कि होगी exe फाइल। अब ये सॉफ्टवेयर ना दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र के मतलब के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन के मतलब के होते हैं। अब आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स आ रहा है क्योंकि उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, पर हमें तो पता ही नहीं कि वो कौन सा प्रोग्राम है, कहाँ रखा हुआ है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। या आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स हैं तो वो सब भी प्रोग्राम्स हैं। या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रखे हैं जिनके होने का भी आपको अंदाज़ा नहीं होता है और वो अपना काम समय पे करते रहते हैं, आपको कभी उनको चलाने की चिंता नहीं करनी होती, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं ताकि सिस्टम सही से काम कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, विंडो मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनसे यूज़र को मतलब होता है। यूज़र इनसे इंटरेक्ट करता है, इनको चलाता है, और ये सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम ऐसा शब्द नहीं है कि आपने इसे पहली बार सी लैंग्वेज में पढ़ा, आप प्रोग्राम शब्द बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, चलो पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग को अगर जैसे आपने बोला कि मुझे मूवी जाना है, तो मूवी जाने की कुछ प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग करेंगे तो क्या, एक कागज पर लिख लो क्या क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ये क्या हो गई? निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, क्या करेंगे, पहले ये करेंगे। ऐसे कई सारी इंस्ट्रक्शन आपने उस पेज पर लिख ली, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम। अब हमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखना है उनको परफॉर्म कंप्यूटर करेगा, यानी जो निर्देश हम दे रहे हैं वो मशीन को दे रहे हैं कि मशीन को ये करना है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोसेस क्या है? जब मैं किसी प्रोग्राम को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ,
तो वो कहलाती है एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम एंड विच इज कॉल्ड प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर में आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बोलते हैं हम, यूनिक्स की बात करें, हम विंडोज़ एक्सपी की बात करें, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, सोलारिस, मैकिंटॉश, लिनक्स, उबंटू, ये सब क्या हैं? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आपके कंप्यूटर में इनमें से कोई सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और मशीन के बीच में। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, आपको स्क्रीन दिखती है, वो स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटपुट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो आपको दिखाया, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मेनू कार्ड दिखता है जिसमें आप देखते हो कि क्या डिश ऑर्डर करनी है, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक मेनू कार्ड दिखाया जिसमें आप सेलेक्ट करते हो कोई आइकॉन, आप वहाँ सेलेक्ट करते हो तो अच्छा सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाते हो तो कुछ फोल्डर में जाते हो, फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर में जाते हो, ये मेनू कार्ड है। आप चूज़ कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, जो भी आपने चूज़ किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो चीज़ आपके सामने लाके हाजिर कर दी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप मशीन को यूज़ कर पाओगे। ये मशीन में एक मैनेजर की तरह काम करता है, ये सारे काम देखता है जो मशीन के अंदर होते हैं, आपके प्रोग्राम को चलाना, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चलवाना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, रैम के अंदर कौन सा प्रोग्राम आएगा कौन सा नहीं आएगा, रैम की कौन सी जगह खाली है कौन सी भरी है, हार्ड डिस्क में फाइल्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हों और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नॉलेज आपको गेन हो रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।